Hey students, very good morning to all of you. Dear students, today in this lecture we are going to discuss about types of hydrogen bonding. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में बात करी थी. अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में. उससे पहले मैंने यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आइस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ आइस यहाँ पर आप देख रहे हैं. देखिए, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, देयर इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. अगर आप देख रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में हमें मालूम है दो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. और आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड. और इसी को हमने क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला. दैट इज बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब वॉटर के अंदर होता क्या है, जब वॉटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वहां पर वॉटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. किस चीज की फॉर्मेशन होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि आपको यहाँ पर क्या है, काफी बड़ी बड़ी कैविटीज बनी हुई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा केज बना हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो बच्चे जब वॉटर, वैसे तो ये मैंने 9th क्लास के लिए भी एक वीडियो डाली हुई है कि वॉटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है. क्योंकि बच्चे देखे, जब वॉटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें मालूम है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है. डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम. अगर हम देख रहे हैं, जब वॉटर आइस में चेंज हो रहा है तो मास तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बट वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. किसकी, आइस की. अगर देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली डेंसिटी तो क्या करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है. ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू द एक्सपेंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस. व्हेन आइस कन्वर्ट इन, व्हेन वॉटर कन्वर्ट इन टू आइस, उसका जो स्ट्रक्चर है वॉटर का वो एक्सपेंड हो जाता है. किसके कारण, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कैविटीज बन जाते हैं. तो इसमें दैट, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज. इसीलिए आइस की डेंसिटी वॉटर से कम होती है और इसीलिए आइस वॉटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है. देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि वॉटर जो होता है उसकी डेंसिटी 277 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है. वॉटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. देखिए, होगा क्या, वॉटर जो हमने कहा कि आइस की डेंसिटी तो क्या होती है, कम होती है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमें मालूम है वॉटर किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, आइस में चेंज होता है. और जब आप इससे ज्यादा टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बट इट हैपेंस, आइस क्या करेंगे, आइस स्टार्ट मेल्टिंग, आइस मेल्ट करना शुरू होगी. और जब आइस मेल्ट करना शुरू होगी, डेफिनेटली ये वाले जो बॉन्ड होते हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं. और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं तो आइस क्या करती है, कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी. क्योंकि अब ये बॉन्ड टूटेगी तो ये वॉटर के मॉलिक्यूल जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर था इसमें घुसना शुरू हो जाएगी, है ना. तो उस कंडीशन में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक ये प्रोसेस चलता है और ये क्या कर जाता है, मॉलिक्यूल कोलैप्स हो जाते हैं. और जब मॉलिक्यूल कोलैप्स होते हैं, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज, और डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर ये प्रोसेस मैक्सिमम होता है कि वॉल्यूम मिनिमम हो जाती है और डेंसिटी क्या हो जाती है, वहां पर मैक्सिमम. देखिए बच्चे, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अबव टेम्परेचर आप राइज करते हो, वापिस क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करना शुरू करेगी, इंक्रीज करना शुरू करेगी. पहले ये कोलैप्स हुआ है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वापिस एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देगा और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी. इसके कारण मॉलिक्यूल वापिस क्या करना शुरू करेंगे, दूर दूर जाना शुरू करेंगे. इसका मतलब वॉल्यूम वापिस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और डेंसिटी वापिस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. तो इसीलिए वॉटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर दिस, हमने कहा केज लाइक स्ट्रक्चर है, डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ती है, इसलिए डेंसिटी घटती है. आइस की डेंसिटी कम होती है वॉटर से, इसीलिए आइस फ्लोट करती है किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. लेकिन फिर बच्चे हमें बात करी किस चीज की, कि व्हाई वॉटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. जब वॉटर आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पर तो डेंसिटी कम थी, जैसे ही वॉटर में चेंज हुई आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी और मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलैप्स करेगा. कोलैप्स करने के कारण वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब डेंसिटी इंक्रीज करेगी. लेकिन जैसे कि आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर राइज करते हैं, मॉलिक्यूल जो कोलैप्स हुए थे वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे. मीन्स वॉल्यूम वापिस इंक्रीज होगी और डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो ये बहुत छोटे क्वेश्चन थे जो आप 9th क्लास में भी पढ़कर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट
types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bonding. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो टू टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. कितने टाइप की? टू टाइप. वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. एक होती है इंटर, एक होती है इंट्रा. बेटा इंटर का मतलब होता है डिफरेंट. इंटर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. जैसे आप पढ़ते हो ना इंटर स्कूल कंपटीशन, तो इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग स्कूलों के बीच में जो कंपटीशन होता है. इंटरा, इंटरा का मतलब होता है सेम. अगर मैं बात करूं व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो? बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी HF. अगर आप बात करो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्या है? सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल है. तो इन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्डिंग है इसको हमने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो कैसी है? That is different molecules of same compound. Ammonia के बीच में जो bonding है वो भी कैसी है? Different molecule of same compound. Similarly, water के बीच में जो bonding है वो different molecules of same compound. लेकिन अगर मैं बात करूँ H2O plus alcohol, water और alcohol में कैसी bonding है? है तो intermolecular hydrogen bonding ही, लेकिन किसके बीच में है? Different compounds के बीच में. Similarly, ammonia plus water. अमोनिया वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैंने क्वेश्चन भी करवाया तुम्हें कि अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है किसके कारण? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये कैसी है? डिफरेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इंट्रा का मतलब क्या हो गया? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल. एटम्स ऑफ सेम, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए बच्चे आपके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर ऑर्गेनिक की घुसना शुरू हो गई हैं, आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया कंसेप्ट है. जैसे मैं कहूँ यहाँ पर C डबल बॉन्ड, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा ठीक लिख देती हूँ. देखिए मैंने लिखा उसको COOH, ठीक है. इस मॉलिक्यूल को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल देते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ये नेम्स जो है आप ऑर्गेनिक में सीखना शुरू करेंगे कि व्हाइट इज कॉल्ड ऑर्थो. देखिए मैंने कहा था यहां पर अगर कोई ग्रुप हो उसके रिस्पेक्ट में, यहां पर अगर कोई ग्रुप हो तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. वैसे उसको सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं. रुचि अगर मैं यहां पर बात करूं इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे है अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है. एग्जांपल और दे देते हैं मैं इसके अंदर. आपके ओ, यहाँ पर हमने लिख दिया NO2, यहाँ पर लिख दिया OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कौन सी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसको रिप्रेजेंट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. तो इसको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले एक बार मैं कंडीशन आपको बता देती हूँ कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होनी चाहिए. पहले स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं. देखिए ये मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं. यहाँ पर हमने लिख दिया सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड एच, ऐसे लिख सकती हूँ ऑब्वियस. और यहाँ पर हमने लिख दिया ओ एंड एच, यहाँ पर क्या लिख दिया? ओ एंड एच. तो मुझे अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर हाइड्रोजन और इसके साथ यहां पर अगर बॉन्ड बन जाए लाइक इस तरीके, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहां पर ये जो बॉन्डिंग बनी है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. तो इसके लिए अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है. पहली कंडीशन है हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. क्या? हाइड्रोजन should be attached to highly electronegative atom. पहली बात, hydrogen should be attached to
highly electronegative element. Highly electronegative element. Atom बोलते हैं. Highly electronegative atom. तो पहली कंडीशन क्वालिफाई है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. दूसरी कंडीशन क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहां पर देखिए, ये ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जुड़ा हुआ है इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से. तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसके और इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पॉसिबल है. तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में अगर आप करेंगे तो इसकी कंपेरिजन में इसके और इसके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. कैसी? इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल में. दूसरा नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है सैलिसिलिक एसिड, उसी के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर. ठीक है. तीसरी कंडीशन, ये जो मॉलिक्यूल है शुड बी प्लेनर. मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. प्लेनर का मीनिंग मैंने कल आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो. जैसे ये जो बेंजीन होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बच्चे? sp2. तो दूसरी तीसरी कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बेंजीन होती है, ठीक है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, उन्हीं के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी. और कौन सी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड फोर्थ कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं. तो फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर्ड रिंग शुड टेक प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए इंक्लूडिंग हाइड्रोजन. छह मेंबर की अगर रिंग बनेगी तो स्टेबल हाइड्रोजन बनेगी. देखिए यहाँ पर मैं रिंग की बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. मतलब जैसे बेंजीन खुद एक सिक्स मेंबर रिंग होती है ऐसे, तो उसी तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग बनती है दैट शुड बी सिक्स मेंबर. तो ये तीन कंडीशन, अगर ये तीन कंडीशन क्वालिफाई होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर नहीं क्वालिफाई होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. लेकिन सैलिसिलिक एसिड में ये तीनों ही कंडीशन क्वालिफाई होती है, दैट इज व्हाई इट हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसीलिए इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. इंट्रा मीन्स सेम, इंटर मीन्स डिफरेंट. तो सेम में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा बोलते हैं. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, रिंग बनती है, तो बच्चे इसको चीलेट भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चीलेट इफेक्ट होता है, जो कि आप 12th में चल कर पढ़ते हैं. मतलब रिंग्स जो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उन रिंग स्ट्रक्चर के कारण जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? चीलेट बोलते हैं. तो जितनी ज्यादा चीलेशन होगी, जितनी ज्यादा रिंग बनेगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. और जो रिंग का साइज है वो 5 मेंबर या 6 मेंबर होना चाहिए. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो चीलेट बनेगी, जो रिंग बनेगी, उसका साइज क्या होना चाहिए? इट शुड बी 6 मेंबर रिंग. तो इसलिए यहाँ पर होगी. तो अब देखो इससे होगा क्या, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. देखिए बच्चे, एक तो इससे क्या होगा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल होगा उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखिए, या तो ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन यहाँ पे तो क्या करेगा, खुद ही के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. पहली बार कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या करेगा बच्चे? डिक्रीज करेगा. किसके कारण? इंट्रा के कारण. और जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या करेंगे? डिक्रीज. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे. और क्या बोल सकते हैं? वोलेटाइल ज्यादा हो जाएगा. वोलेटाइलिटी इंक्रीज, मतलब जो सब्सटेंसेस होंगे दैट बिकम मोर वोलेटाइल इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जो करती है उसका रिवर्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है. देखिए, इंटरमोलिकुलर में मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? बाइंड करके बॉन्डिंग करते हैं. तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इनफैक्ट एक्सपेंशन होता है. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहां पर सरफेस एरिया बढ़ता है, यहाँ पर सरफेस एरिया घटेगा. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वहां इंक्रीज करते हैं. प्रीवियस वीडियो में देखा हमने,
कि वो जितने भी एग्जांपल्स हमने किए थे वो सब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थे। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर इंक्रीज करे थे, बहुत सारे एक्सेप्शन मैंने करवाई, वोलेटाइल नेचर हमने कहा था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, तो वोलेटाइल नेचर क्या करते हैं डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है, इसीलिए ये सब फैक्टर्स क्या है जस्ट अपोजिट ऑफ दैट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए मूव करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एलिगेंस से बताना एप्लीकेशन ऑफ दिस, इसकी क्या एप्लीकेशन होगी। तो बच्चे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन आ गया आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल वाइल पैरा नाइट्रोफिनोल इज नॉट, एक्सप्लेन वाई। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल है या यू कैन से इट इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल, तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस। देखिए ऑर्थो का मतलब होता है फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पर अगर बॉन्डिंग हो, तो हमने लिखा एन डबल बॉन्ड ओ ओ, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस पे मैंने लगा दिया O एंड H, क्या लगा दिया O एंड H और रिंग को पूरा कर दिया। देखिए बेंजीन में यहाँ पर आप ये तीन बॉन्ड लगाइए, अगर ये बॉन्ड नहीं लगाते तो आप ऐसे सर्कल भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है, ये हमारा है ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। मैं आपको बता दूं फिनोल होता है ऐसे OH, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ वो फिनोल होता है। तो आप अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इस OH को हटा दोगे तो यहाँ सॉरी NO2 को हटा दोगे तो OH बच गया, ये क्या बच गया फिनोल। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर देखिए, इसके रिगार्डिंग ये ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, इधर लगा दो या इधर लगा दो, तो ये क्या हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर ये OH है, क्योंकि ये OH कहीं भी लगा हो उसके साथ वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो है। अब ये OH इधर लगा हुआ है तो ये और ये दोनों ऑर्थो है, तो आप यहाँ यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो ये बात समझने की है कि एक्चुअली में कौन ऑर्थो होगा। आप कह सकते हो कि NO2 के रिस्पेक्ट में भी OH ऑर्थो हो सकता है, लेकिन इन दोनों ग्रुप में से जो बड़ा ग्रुप होता है जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है उसको प्रिंसिपल ग्रुप मान लेते हैं और दूसरे वाला साइड ग्रुप हो जाता है, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि एसिड के साथ एल्डिहाइड कीटोन्स एल्कोहल वो क्या होते थे सेकेंडरी और प्रिंसिपल ग्रुप कौन होता था एसिड होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर फिनोल NO2 के ऊपर ज्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप है, इसलिए हमने इसको फिनोल, और इसके यहाँ पर कुछ भी लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो। जैसे मैंने अगर यहाँ पर क्लोरोल लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोफिनोल। ठीक है ना, NO2 लगा दिया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। होप आपको समझ आई होगी, तो इस चीज को ध्यान रखना, अदरवाइज फुल एक्सप्लेनेशन हम इसकी ऑर्गेनिक में करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर देखिए अगर इसके बीच में और इसके बीच में क्या हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इसके बीच में क्या हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस अभी मैंने बताए बच्चे आपको, क्या होगा साइज कम्पैक्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो सब लिख लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें पैरा नाइट्रोफिनोल की तो हमने यहाँ पर बनाया, देखिए एन डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव लिख सकते हो, नेगेटिव बॉन्ड बना सकते हो, और ये हो गया हमारा क्या पैरा नाइट्रोफिनोल ओ एच पैरा पोजिशन पर, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजिशन पर है। अब देखिए इसमें क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है, प्लेनर का मतलब होता है बच्चे ऐसे एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर तो क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पर रही इसलिए इन्होंने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, लेकिन अगर इस ऑक्सीजन को इस एच के साथ बॉन्डिंग करनी है तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल को ऐसे कंप्लीट मुड़ना पड़ेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है पूरी बेंजीन रिंग ऐसे झुक जाए और इसके साथ बॉन्डिंग करें। तो इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल में इन पैरा नाइट्रोफिनोल नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कैसे यहां पर मैंने एक और मॉलिक्यूल बना दिया किसका हमारा नाइट्रोफिनोल का, ठीक है ये है हमारा नाइट्रोफिनोल, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड। तो मुझे देखिए क्या होगा यहां पर ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरीके से एक नाइट्रोफिनोल ने दूसरे नाइट्रोफिनोल के साथ, इसी तरीके से आप उधर लिख दो उसके उधर लिख दो या नीचे भी लिख सकते हैं, अगर मैं ये नाइट्रोफिनोल इसके नीचे लिख दूं तो ये वाला इसके नीचे लिख दूं
NO2, यहाँ पर OH, SI molecule यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर भी क्या हो सकती है intermolecular hydrogen bonding. तो intermolecular hydrogen bonding के कारण तो melting boiling point क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो इसलिए steam volatile नहीं हो सकता. ये intramolecular hydrogen bonding बना रहा है, इसलिए steam volatile है. 6 member ये बना रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो that is it. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया. अच्छा आपको क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे क्वेश्चन आ गया. देखिए मैलिक एसिड एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमैरिक एसिड, देन फ्यूमैरिक एसिड. मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमैरिक एसिड. तो पहले तो बच्चे आपको मैलिक और फ्यूमैरिक एसिड पता होने चाहिए क्या होते हैं. तो बच्चे अगर हम मैलिक एसिड की बात करें, मैलिक एसिड होता है ये एच एच एन एच, और फ्यूमैरिक एसिड होता है ये मीन्स मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि ये तो होती है सिस फॉर्म और ये होती है ट्रांस फॉर्म. ये है सिस फॉर्म और ये कैसी है ट्रांस. तो ये है फ्यूमैरिक एसिड और ये कैसा है मैलिक एसिड. तो क्वेश्चन है कि मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है बजाय कि किसके फ्यूमैरिक एसिड के. तो बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए, हालांकि ये बहुत ही डीप टॉपिक है एक एसिड स्ट्रेंथ को समझने का, लेकिन मैं आपको दो लाइनों में एसिडिक स्ट्रेंथ एक बार बताने की कोशिश करूंगी. आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ही कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है. देखिए बच्चे आपको बोला कि कोई सब्सटेंस एसिड है, जैसे मैं कह दूं कि HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, CH3COOH एसिड है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि इसकी कितनी ज्यादा टेंडेंसी है इसको छोड़ने की, अपने H पॉजिटिव को छोड़ने की, NO3 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव प्रेजेंट. मतलब जो स्पेसिस अपना H पॉजिटिव जितनी आसानी से डोनेट कर सकती है, जो स्पेसिस अपना H पॉजिटिव जितनी आसानी से डोनेट करती है वो उतना ही अच्छा एसिड होती है. ठीक है, अब ये बाद में जैसे Cl नेगेटिव बना, NO3 नेगेटिव बना और यहाँ पर CH3CO नेगेटिव बना, अगर ये जो एनायंस यहाँ पर बने हुए H को छोड़ने के बाद अगर ये स्टेबल होंगे, अगर ये क्या होंगे स्टेबल, अगर ये स्टेबल होंगे तो इन्हें इस H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. मतलब ये खुश है इस H को छोड़ कर भी, अगर ये H को रिलीज करके खुश है, हैप्पी है, तो उसका मतलब अच्छे एसिड है. क्यों? क्योंकि इसको छोड़ने के बाद भी वो स्टेबल है. जैसे आप कहते हो एसिडिक एसिड पुअर एसिड है, इसका मतलब ये अपने H पॉजिटिव को रिलीज करना नहीं चाहता है, ये इस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि इसके. HNO3 आप कहते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब NO3 नेगेटिव इस H को छोड़ के भी खुश है, इनफैक्ट ज्यादा खुश है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अच्छा एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीसीज H पॉजिटिव आयन अपना रिलीज कर दे और उसके बाद भी वो स्टेबल रह सके तो वो अच्छी एसिड होती है. समझ में आ रही है? इतनी बात अभी याद रखिए, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम देखते हैं. तो बात करिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चर था C, मैं इसको लिख दूं डबल बोन O, O, और देखिए इसने अगर अपना H पॉजिटिव ले लिया तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, ये है हमारा कौन सा दिस वन दैट इज मैलिक एसिड. तो मुझे अगर आप मैलिक एसिड में देखो, इसने अपना एक H पॉजिटिव दे दिया, मतलब C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव रिलीज कर दिया. तो अब यहाँ पर देखिए इसको रिलीज करने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. ये जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और ऐसा करने से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर एक चिलेट बनता है, और उस चिलेट के बनने के कारण ये जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है. लेकिन यहाँ पर अगर इसने अपना ये एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया, इफ इट रिलीज दिस एच पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, सॉरी COO नेगेटिव, तो ये इसको नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है. तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, अकेला है, दुखी है, ये चाहता है कि फटाफट मुझे हाइड्रोजन मिल जाए और मैं क्या करूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, ना ये इसके साथ अटैच कर सकता है. क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होना चाहिए, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए. तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो रिंग चार मेंबर की बनेगी तो वो भी स्टेबल नहीं है. तो उस कंडीशन में यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबलाइज नहीं होता, यहाँ पर जिलेट नहीं बनता, यहाँ पर जिलेट बनता है. दिस इज मोर एसिडिक, मतलब ये एच पॉजिटिव को छोड़ने के बाद भी खुश रह सकता है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस वन. इस तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे,
कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्थो मीथोक्सी बेंजोइक एसिड, OCH3, ऑर्थो मीथोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये नेमिंग मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियस बट आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट नीड नॉट टू वरी, इनको आप आगे समझना शुरू कर देंगे जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है और OCH3 को मीथोक्सी बोलते हैं। आप इनकी नेमिंग में भी 10th में थोड़ा बहुत मैंने करवाई है, इसको मीथोक्सी बोलते हैं, तो ऑर्थो मीथोक्सी बेंजोइक एसिड। अब क्वेश्चन आया कि ये ज्यादा अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्यों क्यों ये ज्यादा अच्छा एसिड है। देखिए वापस हमने कहा एसिड का मतलब है जो अपना एच पॉजिटिव छोड़ दें, नेगेटिव चार्ज अटेन कर लें। यहाँ पर भी जो अपना एच पॉजिटिव छोड़ दें वो क्या कर लें, नेगेटिव चार्ज अटेन कर लें। तो बेटा यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ये इस हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, चिलेट बनाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इस H के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो H है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, कोई चिलेट फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये वीक एसिड है और ये क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड इज लिक्विड इन स्टेट वाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इट इज सॉलिड या इट हैव हाइयर, आप बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए उन सबका आंसर आपको किसमें मिलेगा, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेन जल्दी हेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए दैट इज OHCHO एंड OHCHO ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन के ऊपर CHO, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसकी पैरा पोजीशन पर OH तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन आ जाए किसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रा और इसके अंदर इंटर, इसके अंदर इंटर, इसके अंदर इंट्रा, इसके अंदर इंटर सॉरी इंट्रा, इसके अंदर नो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर, जो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम इंटर मोलिकुलर या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिलेगा। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते रहिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस।